को जन्म दोगी और तुम इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई आदमी के साथ कुछ रिश्ता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगा, इसी वजह से जिस बेटे को तुम जन्म दोगी वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि खुदा के सब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं खुदा की दासी हूँ, उसकी मर्जी मेरी जिंदगी में हो जाए। मैंने क्या सुना कि मरियम गर्भवती हो गई है? मैं तो सोचा कि मरियम बहुत अच्छी लड़की है। इसका मतलब है कि सबने मुझे धोखा दिया। अच्छा ठीक है, शायद खुदा ने मुझे रोका शादी करने से, मगर मैं तो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मैं काम कर देता हूँ, वैसे छुपके छोड़ देता हूँ। ये सोच के मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर आराम लूंगा। हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। क्या फरिश्ता मेरे ख्वाब में आया? फरिश्ता ने कहा कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। इसका मतलब है कि मरियम की गलती नहीं है। अगर खुदा अपने फरिश्ता को मेरे ख्वाब में नहीं भेजता तो मैं बहुत बड़ा पाप कर देती। मरियम क्या सोच रही होगी? मैं अभी जाके मरियम को अपने साथ ले आऊंगा। जा रहे हैं, ये इसीलिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। पर मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुको मरियम, मैं देखूंगी वहाँ पे शायद जगह होगा। मुझे तो आज बहुत ही बहुत खास रात लग रहा है। हाँ यार, कल तो ऐसे था ही नहीं, इतने सारे तारे दिखे। हाँ हाँ, तो सच है। हमें थोड़ा सा जगह दीजिए, मेरी बीवी गर्भवती है। ना ना, मेरे पास कोई जगह नहीं है, चलो। नहीं, मेहरबानी करो भैया। देखो मेरे पास कोई जगह नहीं है, देखो लोग आते हैं अपना नाम लिखवाने के लिए यहाँ, और कहाँ रहेंगे? गांव पूरा भर गया, कहाँ रहेंगे? मेरे घर आगे मेरे पास थोड़ा भी जगह नहीं है। मेहरबानी करो भैया, मेरी बीवी गर्भवती है। देख यार, मैं इनको बोल रहा हूँ, इनको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास कोई जगह नहीं। नहीं यार, नहीं, ये इस रात में कहाँ जाएंगे? ये बता रहे कि है कि इसकी पत्नी गर्भवती है। हाँ यार, हमारे पास तो जगह नहीं है। देख, इसके चेहरे में बहुत चमक है, ये मुझे बहुत खास लोग लग रहे हैं। हमारे घर की साइड में जहाँ पे जानवर पालते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा जगह है, हम वहाँ पे उनको जगह देंगे। भैया देखो, हमारे पास थोड़ा सा जगह है जो हम जानवर रखते हैं, अगर आप चाहते हो आप वहाँ जा सकते हो। क्या जहाँ पे जानवर रखते हैं? मगर वहाँ बहुत ठंड होता है। क्या करूँ, हमारे पास वही जगह। यूसुफ कोई बात नहीं, कम से कम इधर मिल गया ना, हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है भैया, हम वहाँ पे ही जाएंगे। चलो जाओ, जो पेड़ के बगल में है ना उसी। शुक्रिया। ये तो हमेशा उदास रहता है, इसे क्या परेशानी है? पता नहीं इसे क्या परेशानी, चल इसे ही पूछ लेते। यार यहाँ देख, तू हमेशा उदास क्यों होता है? क्या बोल रहे हो यार, देख हम कितने गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चरवा हैं, हमारे लिए कोई भी फिक्र नहीं करता। हमारा यही जिंदगी है, बस पेड़ चलाना होता है, और हमारा कुछ है ही नहीं। खुदा ने बनाया हमें मकसद के बिना। यार ऐसे मत कह, मैं तुझे एक बात बताऊंगा जो जिससे तुझे अच्छा लगेगा। दाऊद बोल के एक राजा था। हाँ हाँ, मैंने तो दाऊद राजा के बारे में तो बहुत सुना। वो राजा तो बाद में बना, पहले वो भेड़ों को चराता था हमारे जैसी, पर खुदा ने उसे बाद में एक बहुत बड़ा राजा बनाया। उसने जबूर भी लिखा। हाँ,
सच है, मैंने भी इसके बारे में सुना है। यार मुझे अच्छा लगा है तूने ये मुझे बोला। यार मैं दो दिन से नहीं सो रहा, मैं सो रहा हूँ। ठीक है तू सो जा, अपने बेड को संभाल, तू भी सो जा। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबर लाता हूँ जो सबके लिए होगा। आज दावत के नगर में तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है, उसे तुम कपड़े में लिपटा हुआ जर्नी में पाओगे। देखा देखा, इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मगर ये खुशखबर उनको नहीं गया है। हम जो अनपढ़ हैं, हमें ये खुशखबर गया है। देखा देखा, तो अभी तक तो कह रहा था कि हम बहुत गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, हम बस बेड़ को चलाते। देख, खुदा ने अपना फरिश्ता हमारे पास भेजा और ये खुशी खबर हमें दिया। हम जल्दी जाके उस नजात दहिंदा को देखेंगे। हाँ यार, मैं बहुत गलत सोच रहा था, हम कितने धनी हैं, चल हम जाके उसे देख के आते। मगर हम कहाँ जाए? उस फरिश्ता ने साफ तरीके से कहा था कि वो दाऊद के शहर में कपड़े में लिपटा हुआ चैनी में लेटा हुआ होगा, हम वहीं पर जाएंगे। अच्छा अच्छा, यार अगर सब जाएंगे तो बेड़ को कौन चलाएगा? अगर हम खुदा का काम कर रहे हैं इसलिए खुदा हमारी बेड़ को संभालेगा। हम क्या तोहफा लेके जाएंगे? चलो हम इस बेड़ को लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो चलो चलो। किताब में पढ़ा था। ये तारा का मतलब क्या है? मैंने पढ़ा था कि ये तारा एक नए बादशाह का पहलवाने का एक निशाना है। तो हम लोग को वो बादशाह को देखने के लिए जरूरी जाना होगा। हाँ, हमें बहुत सफर करना है, हमें बहुत दूर जाना है। मुश्किल हो या आसान, हम बादशाह को देखने जरूर जाएंगे, वो सारे दुनिया को बचाएगा। चलो हम अभी जाके अपने तोहफे लाएंगे उनको जाके देखने के लिए। देखो ये तारा एक गौशाले के ऊपर रुका है। बादशाह तो एक महल में पैदा होता है ना? कोई बात नहीं, एक बार अंदर जाके देखते हैं। हाँ हाँ, बादशाह यहाँ पे ही है। चलो हम अपने तोहफे देख के उनको सिस्टर कर। हमने नजात दहिंदा को देखा है, हम बहुत धन्य हैं। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया।